थोड़ी सी टाइल पे लीन करूंगा ना, पूरी बाइक पीछे से शेक हो जा रही है। ये देखो गाइस, एंड भाई ये देखो यार, कीचड़ी कीचड़। सो पीछे तक आ रहा है यार भाई, यहाँ तक आ गया देखो, इसका सारी मिट्टी आ रही है पीछे तक। और गाइस लोकेशन चेक करो यार, फुल पावर लोकेशन है यहाँ पे। एंड मतलब फर्स्ट टाइम आ चुका हूँ मैं इस वाले रोड पे। बैक साइड का जो टायर है भाई, मतलब फुल स्किट हो जाता है। एंड इस वाली लोकेशन में पहली बार आया हूँ, और देखो यार पैदल चलने के लिए काफी अच्छा रोड है, बट हम बाइक वगैरह घुसा देते हैं ऐसे ही कहीं पे भी। सभी निकलते हैं वापसी। ठंड वाला मौसम आ गया फुल पावर, तो गाइस पहले चेक कर रहे तुम मेरा। सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो शूट करने, एंड अभी मैं निकल रहा हूँ ऊपर की साइड। बाइक की हालत आप लोग देख सकते हो यार, बैक साइड से सारी मिट्टी मिट्टी आ रही है, ठंड वाला मौसम आ गया है। सो बारिश में यही हाल रहने वाला है इसका। यूट्यूब में व्यूज वगैरह तो आ रहे हैं, बट मैं खुद लेट कर रहा हूँ वीडियो वगैरह अपलोड करने के लिए। व्यूज अच्छे चल रहे तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली व्लॉग कर सकूँ, 10 मिनट का कुछ ना कुछ बना सकूँ डेली। तो अभी देखते कैसे सीन रहता है, इस वाले ब्लॉग को मैं डाल के देखूंगा। ठंड के सीजन में ये स्टिकर वगैरह निकल रहे हैं यार। सो गाइस अभी निकलते हैं एंड ऊपर चल के ही करते हैं कुछ ना कुछ शूट। मौसम काफी ठंडा है यार आज का। सो अभी चलते हैं एंड ऊपर चल के ऑफ रोड में चलते हैं एंड ऑफ रोडिंग करते हैं थोड़ी सी बाइक में। रिएक्शन वीडियोस तो मैं बनाते रहता हूँ ऊपर वाली साइड जाके। सो काफी दिन हो गया ऑफ रोड गए हुए, तो मैंने सोचा ऑफ रोड जाके आते हैं एंड फुल पावर वीडियो वगैरह शूट करके आते हैं। एंड भाई बैक साइड का मैंने मडगार्ड और इसकी जो टेल टेढ़ी थी वो निकाल दिया है, जो स्टोक आती है। थोड़ी सी टाइल पे लीन करूंगा ना, पूरी बाइक पीछे से शेक हो जा रही है। ये देखो गाइस, तो फाइनली ऑफ रोड स्टार्ट हो चुका है एंड फुल पावर जाएंगे हम। एंड यार सेकंड गियर फिर से आवाज करने लग पड़ा इसका, पता नहीं यार क्या सीन है। और भी बंदे मेरे को बोल रहे थे कि भाई हमारी बाइक में भी यही सीन है, जो इसकी ड्यूक की चेन है वो काफी जल्दी लूज हो जाती है। एंड गाइस काफी बड़े बड़े पत्थर हैं यार, यहाँ पे लगाते हैं बाइक को। एंड ये देखो यार गाइस, जो टिबेटन फ्लैग्स हैं कितने ऊपर ऊपर तक लगे हुए हैं पहाड़ पे। एंड भाई ये देखो यार, कीचड़ कीचड़। सो पीछे तक आ रहा है यार भाई, यहाँ तक आ गया देखो, इसका सारी मिट्टी आ रही है पीछे तक। तो भाई मुझे अब मडगार्ड लगाना पड़ेगा, और भाई मेरी मतलब पीछे जो जैकेट पहनी मैंने वो भी गंदी हो रही होगी, बट चलो कोई बात नहीं। पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा ही, टेल टेढ़ी फिक्स की थी। स्टिकर की क्वालिटी काफ़ी बेकार लग रही है मुझे, ये देखो निकल चले हुए हैं। अब थोड़े टाइम के बाद बर्फ़ पड़ेगी ना भाई, ये जो सारे ट्रीज है ना ये सारे भर जाएंगे यार बर्फ़ से, तो फुल पावर ये वाला रोड जो होता है ये फुल जाम हो जाता है। एंड यहाँ पे बाइक वगैरह चलाने का काफ़ी मज़ा आता है यार जब स्नो पड़ती है यहाँ पे। एंड भाई मडगार्ड लगाना पड़ेगा यार मुझे, क्योंकि हालत आप लोग देख सकते हो, टेल टेढ़ी की डिसएडवांटेज देखो यार। सो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से। एंड गाइस अभी मैं बाइक को पानी में नहीं डालूंगा, बिकॉज मैं यार भूल गया था कि पीछे में जो मडगार्ड है वो नहीं लगा है। सो मेरी जैकेट वगैरह ख़राब हो रही थी पीछे से, बट कोई दिक्कत नहीं है। यार मेरे को डर रहता है यार, ग्राउंड क्लियरेंस इतनी नहीं है, सो नीचे टच हो जाती है बाइक। अभी चलते थोड़ी सी आगे जहाँ तक बाइक जाएगी, देन बाइक को टर्न करके वापसी चल जाएंगे। एंड थोड़ा सा रास्ता नीचे को भी था, सो गाइस ये नया रास्ता है, कोई
इस वाले रास्ते में फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, सो ये भी ऑफ रोड ही है। सो आज हमने ड्यूक में कर दिया खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग। और गाइस लोकेशन चेक करो यार, फुल पावर लोकेशन है यहाँ पे। एंड मतलब फर्स्ट टाइम आ चुका हूँ मैं इस वाले रोड पे। सो यहाँ से रोड भी है देखो, थोड़ा बैक साइड का जो टायर है भाई, मतलब फुल स्किट हो जाता है। एंड इस वाली लोकेशन में पहली बार आया हूँ और देखो यार, तो आज हमने ड्यूक में की है डेंजरस ऑफ रोडिंग। सो नीचे सारे देखो कितने बड़े बड़े स्टोन है। एंड ये वाली लोकेशन जो है ना भाई, हिडन लोकेशन निकली। सो मतलब यार मुझे नहीं पता था भाई इस साइड इतनी खतरनाक लोकेशन है। सो भाई अभी यहाँ से चलते थोड़ी सी और आगे, क्योंकि भाई मतलब फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा यार इस वाली लोकेशन का। तो जहाँ तक रोड है वहाँ तक जाके आते हैं। चेक करो यार गाइस, क्या अल्टीमेट लोकेशन है। एंड आगे रोड हो चुका है बंद। सो यहाँ से हमें वापसी मुड़ना पड़ेगा। पेड़ नहीं गिरा होता तो मैं बाइक को आगे ले जाता। सो अभी चलते हैं। देखो यार कितने बड़े बड़े पत्थर है। नीचे ग्राउंड काफ़ी खतरनाक है यार। फर्स्ट टाइम आया भाई मैं इस वाले रोड पे, तो यहाँ पे बाइक लगाते हैं एंड थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं। यार भाई थोड़े बहुत मैंने फ़ोटो वगैरह ले लिए हैं यहाँ पे। सो अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यार शिट नीचे टच ना हो जाए। सो भाई देखो यार थोड़ी थोड़ी जगह बची है वरना टच हो जाती। दोबारा आऊँगा यार इस वाले लोकेशन पर। पैदल चलने के लिए काफ़ी अच्छा रोड है, बट हम बाइक वगैरह घुसा देते हैं ऐसे ही कहीं पे भी। सो अभी निकलते हैं वापसी। फाइनली गाइज आ चुका हूँ वापसी एंड वहाँ पे थोड़ा बहुत फोटोशूट वगैरह किया है। सो फर्स्ट टाइम गया था भाई मैं उस वाली लोकेशन पे। अदरवाइज ये जो रोड है ये सीधा जाता है ऊपर, एक मंदिर है, मंदिर तक तो मैं काफी बाहर गया हूँ, बट ये जो लोकेशन थी ना हिडन प्लेस था गाइज, ये फिर कभी आऊंगा यार इस वाली लोकेशन पे। सो आज मैं अकेला आया था तो इतनी ज्यादा फोटो वगैरह खींच नहीं पाया हूँ। नेक्स्ट टाइम आऊंगा भाई तो किसी के साथ लेके आऊंगा, तो भाई फुल पावर फोटो वगैरह खींचेंगे। तो भाई अभी निकल रहा हूँ मैं वापसी। तो भाई फुल पावर वीडियो वगैरह शूट करके आ चुका हूँ एंड अभी निकल रहा हूँ मैं वापसी। नई जगह गया तो काफ़ी अच्छा लगा। सो फिर से आऊँगा कभी यहाँ पे। एंड मतलब ऐसे यार अभी फ्री था मैं घर में, तो मैं सोचा कि ऑफ रोड वगैरह करके आता हूँ थोड़ा बहुत। इस वाली वीडियो में भी अगर अच्छे व्यूज़ वगैरह जाएंगे तो कोशिश करूँगा कि एक दिन छोड़ के या डेली मैं कुछ मतलब 5-10 मिनट का बना सकूँ, क्योंकि अगर आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाऊँ। तो भाई देखते हैं अभी क्या सीन रहता है। यहाँ पे काफ़ी रिस्क है यार, पत्थर। ओ शिट गाड़ी फंस गई है। ये पत्थर है ना, ये नहीं होंगे जूती थी सारी। सो गाइस यहाँ पे पीछे गाड़ी फंस गई है, तो मुझे अभी दूसरे रोड से जाना पड़ेगा। सो यहाँ से चल पड़ते हैं। अब तो यार जैकेट वगैरह रोज ही पहनने पड़ेगी, ठंड वाला मौसम आ गया फुल पावर। तो गाइस बैलेंस चेक कर रहे तुम मेरा बिना हाथ लगाए मोड़ा काट दी गाइस मैंने। ठंड काफी ज्यादा होगी यार गाइस आजकल। और गाइस ये वाला रोड चेक करो यार। सो भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं नीचे। सो नीचे से मेन रोड पे जाएंगे एंड चलते हैं वापसी, बिकॉज आज की वीडियो तो हमारी शूट हो चुकी है। और गाइस चेक करो यार बैलेंस चेक करो तुम मेरा, पूरा ऊपर से बिना हाथ लगाए गाइस बाइक नीचे पहुंचा दी मेरे।
सो गाइज कमेंट में बताना आज की वीडियो कैसी लगी। और अब भाई मैं बोलता रहा हूँ कि डेली मतलब डेली या एक दिन छोड़ के वीडियो लाऊंगा, बट यार अपनी तरफ से मैं 5-10 मिनट की वीडियो तो बना सकता हूँ, बट भाई मौसम पे डिपेंड है। तो गाइज काफ़ी लॉन्ग पड़ गया यार आने के लिए, बट कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ रोड गया था मैं, तो अभी आ चुका हूँ वापसी, तो यहाँ पे रुक के वीडियो वगैरह एंड कर देता हूँ, बिकॉज वीडियो ऐसी काफ़ी लंबी हो रही है। और अभी जाऊँगा तो डायरेक्ट घर को जाना पड़ेगा मुझे, तो ट्राई करूँगा कि आज शाम तक मैं वीडियो वगैरह अपलोड कर सकूँ। बैक साइड से हाल देखो यार भाई, मड गार्ड तो ज़रूरी लगाना पड़ेगा मुझे। सो देखता हूँ अभी कब जैसे लगाता हूँ, सो वीडियो वगैरह मैं बना दूँगा जब भी लगाऊँगा। जितना भी था आज की वीडियो में यही था, तो मतलब आप लोगों के लिए मैंने फुल पावर शूट कर दिया आज भी। बाकी स्टिकर यार क्वालिटी ठीक नहीं स्टिकर की, बट चलो कोई बात नहीं, इसकी जगह न्यू लगा लेंगे। आगे जाऊंगा नीचे से तो सारा ट्रैफिक ही मिलेगा आप लोगों को पता ही, आगे तो आगे शूट करके फ़ायदा नहीं है। तो भाई इस वाली वीडियो को मैं शाम तक ट्राई करूँगा अपलोड करने की, तो आप लोग बस फुल सपोर्ट करना एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वैसे डेली व्लॉग भी मैं कर सकता हूँ 10 मिनट का, बट भाई यार काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बट आप लोग कमेंट करना, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे भाई उस हिसाब से चलूँगा मैं। एक दिन छोड़ कर ट्राई करूँगा, बट आप लोग भी कमेंट किया करो कि क्या क्या वीडियो लाऊँ मैं। सो गाइस इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अब आप लोगों को एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। सो ठीक है गाइज, बाय, फुल सपोर्ट।